सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सीके टॉक शो में, जहां आपको मिलते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ अमेजिंग वीडियोस। तो भाई लोग, हाल ही में मार्वल ने मून नाइट का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करा है, जो काफी ही जबरदस्त है, जिसमें हमको मून नाइट का रोल प्ले करते दिखेंगे ऑस्कर आइजैक, जिन्होंने इससे पहले एक्समैन और स्टार वॉर्स जैसी कई बड़ी मूवीज में काम करा है, और ये सीरीज हमको देखने को मिलेगी 30 मार्च से। तो फिलहाल इस टॉपिक पर कभी और चर्चा करेंगे। हमारा मेन टॉपिक है, आखिर कौन है ये मून नाइट। अब जो लोग हाल ही में एमसीयू से जुड़े हैं, वो एमसीयू का इतिहास नहीं जानते हैं, जो किताबों दफन है। नहीं नहीं, आपको गड्ढा नहीं खोदना है, यहाँ मैं आपको कॉमिक बुक की गलियों में ले जाने आया हूँ। सो ऑल टुडे वी आर टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ मून नाइट। अब देखो, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ मून नाइट की स्टोरी को। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों, हमको इस कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली 1975 की वेयरवुल्फ बाय नाइट कॉमिक के इशू नंबर 32 और 33 में, और जिस पर 1918 में मून नाइट का इशू नंबर 1 रिलीज हुआ और 1981 में इशू नंबर 4। मून नाइट को स्टार्टिंग से ही ना ही एज विलन दिखाया गया था और ना ही एज हीरो। जहां बैक टू 1975 की वेयरवुल्फ बाय नाइट कॉमिक में जैक रसल यानी की वेयरवुल्फ का सामना होता है एक अनआइडेंटिफाइड फेस वाले बंदे से, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर रखता है, जहां वो जैक को बोलता है यू कैन कॉल मी मून नाइट। इनफैक्ट मून नाइट का रियल नेम मार्क स्पेक्टर होता है, जो अपना करियर एज मर्सिनरी स्टेब्लिश कर चुका होता है, जहां एक बार कमेटी के कहने पर वो वेयरवुल्फ को पकड़कर ले आता है और प्रिजन में डाल देता है। जब बाद में उसको पता लगता है कि कमेटी ने उसका फायदा उठाया है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तब वो वेयरवुल्फ को वहां से बाहर निकाल देता है और वो दोनों मिलकर उस कमेटी के लोगों को मारते हैं। और उसके बाद मून नाइट मार्वल की कई कॉमिक बुक में अपेयर हुआ, जहां वो हमको एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो रोल में देखने को मिलता है। बट उसकी स्टोरी आ की शुरुआत हमको देखने को मिलती है उसकी खुद की 1918 की कॉमिक मून नाइट वॉल्यूम 1 के इश्यू नंबर 1 से। तो दोस्तों, इस कॉमिक की शुरुआत होती है सूडान से, जहां मार्क स्पेक्टर एक मर्सिनरी होता है और अपने कलीग फ्रेंची के साथ काम कर रहा होता है, जहां उसका बॉस जिसका नाम बुशमैन होता है काम ना करने की वजह से एक आर्कियोलॉजिस्ट को मार देता है, और मार्क उस आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी मरीन को रेस्क्यू कर लेता है। और जब बुशमैन और इनोसेंट सिविलियंस को मारना शुरू करता है, तब मार्क उससे लड़ने लग जाता है, जहां बुशमैन मार्क को बुरी तरीके से मारने के बाद उसको डेजर्ट में अकेला मरने के लिए छोड़ देता है, और वो मरने से पहले मरलिन को ढूंढ लेता है। और जब उसकी धड़कने रुक जाती है, तब उसके सामने रखी खोंचू द गॉड ऑफ मून एंड वेंजेंस की स्टैचू में से खोंचू उसके सामने निकल कर आता है और उसको वापस जिंदा कर देता है और उसको उसकी मून बेस्ड पावर देता है। एंड मार्क उस स्टैचू पर उड़े हुए केप को निकाल कर वहां से चला जाता है और अपना करियर एज मून नाइट शुरू करता है। ऑन दी अदर साइड उसकी और दो अल्टर ईगोज हैं, जिसमें से एक कैब ड्राइवर है और दूसरा जीनियस मिलियनेयर प्लेबॉय है। और यहीं से मून नाइट की आगे की कॉमिक्स कंटिन्यू हो जाती है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसके अलावा मून नाइट की अपीयरेंस हमको स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज के एक एपिसोड वेंजेंस ऑफ वेनम में भी देखने को मिली है, जहां वो स्पाइडरमैन की हेल्प करता है वेनम को डिफीट करने में। तो दोस्तों, होप करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन सुनकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताना अपने ओपिनियंस की क्या आप भी मून नाइट की अपकमिंग सीरीज को लेकर एक्साइटेड हैं। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर देना और सीके टॉक शो को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। सी यू सून विद another amazing video. Hasta la vista.